कहानी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, यद्यपि कहानी अपने आधुनिक रूप में पश्चिम की देन है, किंतु कथा कहानी की परंपरा प्रत्येक देश में बड़ी पुरानी है। मनोरंजन तथा उपदेश, इन दो तत्वों को केंद्रित करके कहानी आदिम काल से ही कही सुनी जाती रही है। इसका संबंध अंग्रेजी की छोटी कहानी यानी शॉर्ट स्टोरीज से बताया गया है। हिंदी कहानी के उद्गम के स्रोत हमें वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, जैन कथाओं, जातक कथाओं, हितोपदेश, पंचतंत्र कथाओं, बैताल, पंचविंशति, सिंहासन, द्वात्रिंशिका, शुक सप्तति, वृहत कथा, कथा सरित सागर आदि में मिलते हैं। वास्तव में हिंदी कहानी के निर्माण में एक ओर भारतीय आख्यायिकाओं की परंपरा सहायक एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य रूप विधान का उस पर पूरा पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदी कहानी की इस विकास यात्रा को हम चार चरणों में समझेंगे। कहानी का प्रथम चरण सन 1900 से 1920 ईस्वी, कहानी का द्वितीय चरण सन 1920 से 1940 ईस्वी और कहानी का तृतीय चरण सन 1940 से 1960 ईस्वी एवं कहानी का चतुर्थ चरण यानी साठोत्तरी कहानी। तो सबसे पहले कहानी का प्रथम चरण। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक यानी 1910 ईस्वी तक हिंदी कहानी की पगडंडी बन चुकी थी। इस दशक में रूपांतरित, अनूदित और मौलिक कहानियां सरस्वती, सुदर्शन और गृहलक्ष्मी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई में ऐतिहासिक वृत्त पर लिखी गई कहानियों की परंपरा शुरू हुई। इसी वर्ष काशी से जयशंकर प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें उनकी पहली कहानी ग्राम 1911 में छपी। 1912 ईस्वी में उनकी कहानी संग्रह छाया शीर्षक से सामने आई। इसमें संग्रहित कहानियों में भावात्मकता का प्राबल्य था। इंदु में ही 1911 ईस्वी में गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की पहली हास्य कहानी और भारत मित्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन छपी। 1913 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रताप सिंह की कानों में कंगना और विशंबरनाथ जिज्जा की परदेशी इंदु में प्रकाशित हुई। इसी वर्ष सरस्वती में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन सामने आई। इसी अवधि में बाद में कथा सम्राट प्रेमचंद की कुछ कहानियां उर्दू जमाना में प्रकाशित हो चुकी थीं। शीघ्र ही वे हिंदी की ओर मुड़े और सरस्वती में उनकी कहानियां सौत 1915 में, ईश्वरीय न्याय व दुर्गा का मंदिर 1917 में छपी। 1914 से 1920 ईस्वी के बीच ही आचार्य चतुर सेन शास्त्री की गृहलक्ष्मी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला, बालकृष्ण शर्मा नवीन की संतु आदि कहानियां प्रकाशित हुईं। सन 1918 में ही बनारस में प्रकाशित मासिक हिंदी गल्पमाला में जयशंकर प्रसाद की नियमतः तथा ईलाचंद जोशी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की आरंभिक कहानियां प्रकाश में आईं। सन 1915 की सरस्वती पत्रिका में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दूसरी कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई। इस कहानी ने यथार्थ और सजीव चित्रण आदि अनेक विशेषताओं के कारण हिंदी कहानी जगत में मील का पत्थर बन गई। आचार्य शुक्ल ने इसे मुक्त कंठ से सराहा और इसे अद्वितीय कहानी बताया। राजेंद्र यादव जैसे कथा मर्मज्ञ ने इसे पहली मौलिक और कलापूर्ण कहानी कहकर इसी से आधुनिक कहानी का आरंभ मानने का आग्रह पाठकों से किया। इस प्रकार
हिंदी कहानी विकास यात्रा के पहले चरण में ही कहानी में वस्तु तत्व की प्रासंगिकता, शैली में नूतनता, भाषा में प्रांजलता और प्रौढ़ता के चलते अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। सन 1900 के आसपास जन्म लेने वाली हिंदी कहानी 1920 ईस्वी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गई। प्रथम चरण की कहानियों में मुख्यतः तीन प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहली, कल्पना और भावुकता से परिपूर्ण व्यक्ति के अंतर्मन को खोलने, उनके द्वंद को व्यक्त करने और सकारात्मक हृदय परिवर्तन की कहानियां हैं। ऐसी प्रेमपूर्ण और रोमांस का पुट लिए कहानी धारा का प्रतिनिधित्व प्रसाद कर रहे थे। उनकी भाषा काव्यात्मक, अलंकृत और तत्सम शब्दावली से युक्त थी। जीवन के यथार्थ सुख दुख अभावों, न्याय अन्याय और हार जीत जैसे प्रसंगों को पूरी शिद्दत से रचने वाले कथाकार मुंशी प्रेमचंद व्यक्ति के बाहरी जीवन की विषमताओं को उकेर रहे थे। इस प्रकार वे प्रसाद से भिन्न दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चूंकि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनकी भाषा साधारण बोलचाल की प्रवाहमयी, मुहावरेदार और पाठकों पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ती है। प्रसाद अतीत के सहारे वर्तमान को देखते व दिखाते हैं, जबकि प्रेमचंद का कथा संसार कठोर वर्तमान में खड़ा था। कहानी की तीसरी प्रवृत्ति हास्य की थी। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और विशंबरनाथ जिज्जा ऐसी कहानियों के लेखक थे। हास्य की यह धारा भारतेंदु के नाटकों में शुरू हुई थी, किंतु कहानी में इसकी शुरुआत इन्हीं लेखकों से होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रारंभिक दौर में अनूदित कहानियां भी पर्याप्त संख्या में सामने आई। अब कहानी का दूसरा चरण। कहानी अपने जन्म के साथ ही मात्र दो दशकों की अवधि में आशातीत विस्तार पा चुकी थी। प्रसाद और प्रेमचंद कहानी में दो प्रमुख प्रवृत्तियों के शीर्ष नायक बनकर उभर चुके थे, किंतु इन दोनों कथाकारों सहित अन्य कथाकारों की रचनाओं में आरंभिक कच्चापन था। दोनों कथाकार अपने ही रचे मानक को तीव्र गति से पीछे छोड़कर इस दूसरे चरण में अभिव्यक्ति के नए नए कीर्तिमान रच रहे थे। कथा की एक अन्य विधा उपन्यास साहित्य में तत्कालीन समाज का यथार्थ रचने वाले प्रेमचंद इस विधा में सम्राट होने का पूर्वाभास तो दे ही चुके थे। वे कहानी में भी उसी गति और तल्लीनता से सन्नद्ध थे। उनकी बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी और विचित्र होली 1921 में, गृहदाह 1922 में, परीक्षा और आप बीती 1923, उद्धार और सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी और माता का हृदय 1925, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलगोजिया 1929, पूस की रात 1930, ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा 1932 में, ईदगाह 1933 में, नशा और बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936 आदि लगभग 300 कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद अपनी आरंभिक कहानियों में हुनरमंद, किस्सा गोई, आदर्शवादिता और उद्देश्यपूर्ण संदेश से भरे नजर आते हैं। किंतु अपने विकास क्रम के साथ ही वे बाद में संवेदना के फल से सामाजिक यथार्थ की सख्त और पड़ती जमीन को तोड़ते दिखाई देते हैं। उन्होंने पात्रों में व्यावहारिक मनोविज्ञान की सृष्टि कर अपनी कथा भूमि को अद्भुत रूप से विश्वसनीय बनाया है। प्रेमचंद के रचना और जीवन के उत्तरार्ध काल चौथे दशक में रची जाने वाली उनकी कहानियों में जीवन का तल्ख यथार्थ अत्यंत कलात्मक प्रौढ़ता के साथ व्यक्त हुआ है, जिसकी शुरुआत पूस की रात में देखी जा सकती है। ठाकुर का कुआं
ईदगाह आदि कहानियों में यथार्थ का सच्चा स्वरूप देखने को मिलता है, जिसकी परिणति कफन में होती है। प्रेमचंद की इस तरह की कहानियां न सिर्फ हिंदी कहानियों की निधि है, वरन आज लिखी जा रही कहानियों को इसी धारा में जोड़कर देखने का सचेष्ट कोशिश की जा रही है। व्यक्ति के मानसिकता व चरित्र में परिस्थिति जन्य आए बदलाव, आर्थिक विषमता, सामाजिक ऊंच नीच, राष्ट्र प्रेम, सत्याग्रह, समाज निर्माण, नारी के समर्पण व प्रेरक रूप और ग्राम जीवन आदि को केंद्र में रखकर लिखी गई प्रेमचंद की शताब्दिक कहानियों को अलग अलग भावधारा की कहानियों में छांटकर समय समय पर अनेक संकलन प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो कि 1933 में प्रकाशित हुई उल्लेखनीय है, क्योंकि यह संग्रह स्वयं प्रेमचंद ने संकलित किया है, जिसका प्रकाशन लाहौर में हुआ था। वैसे उनकी सभी कहानियां मानसरोवर शीर्षक के 8 भागों में संकलित हैं, जो सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हैं। इस अवधि में दूसरे महत्वपूर्ण कथाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद के समानांतर कहानी के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लिखने और अतीत की पृष्ठभूमि में रूमानी भावधारा में गहरा पुट देने वाले प्रसाद के ग्राम और छाया को छोड़कर शेष सभी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इसी काल में प्रकाशित हुए। प्रसाद ने सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कविता, नाटक और उपन्यास विधा में भी स्वर्णिम अतीत की झांकी दिखाकर वर्तमान को जागृत करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली का खूब प्रयोग हुआ। कविता में भाषा की शब्द शक्तियां, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग करने की प्रवृत्ति उनकी कहानियों में विद्यमान है। इतिहास और संस्कृति की पीठिका और भाषा की तत्समता के कारण उनकी कुछ कहानियों में संस्कृत गद्य काव्य जैसी छटा देखने को मिलती है। चक्रवर्ती का स्तंभ, पत्थर की पुकार, प्रतिमा, उस पार का योगी और खंडहर की लिपि आदि ऐसी ही कहानियां हैं। अपने आत्यंतिक प्रेम, निश्चल हृदय और सर्वस्व बलिदान करने की भावना से भरे उनके नारी पात्र चंपा, सुभाता, मधुलिका आदि देर तक पाठकों के मन को भिगोए रहते हैं। उनकी बाद की कहानियों में भावुकता की जगह मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा हुई है। कला, आंधी, देवदासी, आकाशदीप, इंद्रजाल, मधुआ और सालवती इसी श्रेणी की कहानियां हैं। प्रेमचंद की भांति अपने आसपास की जिंदगी को कहानी का विषय बनाने वाले विशंभरनाथ शर्मा कौशिक इस युग के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। हालांकि उनकी प्रारंभिक रचना रक्षाबंधन कहानी के प्रथम चरण में ही छप चुकी थी, किंतु उनकी कहानी कला में उल्लेखनीय विकास इसी अवधि में दिखाई पड़ा। तत्कालीन सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखने वाले कौशिक ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज आदि को लेकर समाज का ध्यान आकृष्ट किया। गल्प मंदिर, चित्रशाला, मणिमाला, प्रतिमा और कल्लोल आदि में उनकी 200 से अधिक कहानियां संग्रहित हैं। ताई और पगली उनकी लोकप्रिय कहानियां हैं, जिनमें मन के धरातल पर होने वाले द्वंद्व और भावनाओं का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। कौशिक के अतिरिक्त सुदर्शन दूसरे कथाकार हैं, जो प्रेमचंद की कहानियों की आरंभिक आदर्शवादिता को ध्येय बनाकर चलते हैं। वे भी प्रेमचंद की तरह उर्दू से हिंदी में आए थे और जल्दी ही उन्होंने पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली। वैसे उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु उनको सर्वाधिक प्रसिद्धि कहानी में मिली है। सामाजिक जीवन की समस्याओं को
जितनी मार्मिकता के साथ वे उठाते हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि कितनी गहन आशा रखते हैं। सरस्वती में 1920 में वे पहली बार प्रकाशित हुए थे, जबकि उनकी राम कुटिया नामक कहानी 1917 ईस्वी में ही छप चुकी थी। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, पनघट और परिवर्तन आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कहानी लेखन के इस चरण में प्रसाद की कथा लेखन शैली का प्रभाव चतुर सेन शास्त्री, राय कृष्णदास और विनोद शंकर व्यास में देखा जाता है। गद की लगभग सभी प्रमुख विधाओं पर अधिकार पूर्वक लिखने वाले चतुर सेन शास्त्री के नाम पर लगभग 450 कहानियां दर्ज हैं। इन कहानियों की विषय वस्तु बौद्ध, राजपूत एवं मुगल कालीन समाज और संस्कृति की पृष्ठभूमि में रोमानी अनुभूति है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में अम्बपालिका, प्रबुद्ध, बावर्ची, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में और बाणवधु आदि के नाम लिए जाते हैं। नेही उपनाम से लिखने वाले रामकृष्ण दास मूलतः गद्य गीतों के लिए जाने जाते हैं। उनके गद्य गीतों की भावुकता, रागात्मकता और आदर्शवाद उनकी कहानियों में भी बराबर विद्यमान है। साधना, आख्यान और सुधांशु उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। करुणा, प्रेम और आदर्श की त्रिवेणी को अपनी कहानियों में प्रवाहित करने वाले विनोद शंकर व्यास की कल्पनाओं का राजा, विधाता और अपराध आदि कहानियां बहुत सराही गई। बाद में आपका एक कहानी संग्रह मेरी कहानी 1958 में इस नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहानी पर कहानी कला नाम का आलोचना ग्रंथ भी लिखा है। इस चरण के कहानीकारों में जो तीन महत्वपूर्ण कथाकार परंपरा से प्रभाव ग्रहण करने के बावजूद मौलिक दृष्टि और शिल्प का नयापन लेकर आए वे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। उग्र उपनाम से ही पांडे बेचन शर्मा की लेखन प्रवृत्ति और दृष्टि का संकेत मिलता है। वे गद्य की अन्य विधाओं की भांति कहानी में भी समाज और जीवन के नग्न यथार्थ को उकेरने वाले कहानीकार हैं। जीवन की कड़वाहट और परिस्थितियों के कसैलेपन को वे तीव्र कटाक्ष, व्यंग और पौरुष के स्वर से हुंकारते दिखाई देते हैं। उनकी कहानियों के पहले संग्रह चिंगारियां में उनकी राष्ट्रीय चेतना अपने विद्रोही स्वरूप में मुखर हुई है। यथार्थ परक अभिव्यक्ति की तुलना में उन्होंने कला की चिंता नहीं की। उनका संग्रह चिंगारियां सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। उनकी कहानियां इस संग्रह के अलावा शैतान मंडली, इंद्रधनुष व बलात्कार, दोजक की आग और निर्लज्जा आदि में संकलित हैं। जैनेन्द्र कुमार कहानी में मनोविश्लेषण की परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी कहानियों में घटनाएं प्रायः न के बराबर होती हैं। वे पात्रों के चरित्र प्रतिपादन और उसके भी सूक्ष्म संकेतों के जरिए मनोवैज्ञानिक सत्य के उद्घाटित करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई उनकी कहानियां फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पायजेब तथा जयसिंध शीर्षकों से संग्रहित है। अज्ञे उपनाम से लिखने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कविता, उपन्यास और समालोचना के अलावा कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर जैनेन्द्र की तरह अपना स्थान बनाया है। सन 1931 में प्रकाशित उनके पहले कहानी संग्रह तिपथगा में विश्वव्यापी युद्ध के कारणों को उकेरा गया है। उनके नारी पात्र व्यक्ति और सामाजिक स्तर पर विद्रोह की चेतना लिए क्रांति की मुद्रा में नजर आते हैं।
वे एक ओर प्रेम और कर्तव्य तथा दूसरी ओर आदर्श और सामाजिक आचार संहिता के बीच खिंची नट के तनाव की रस्सी पर चलते हुए चुनौती भरा खेल रचते हैं। कड़ियां, मैना, रेल की सीटी, रोज, अमर वल्लरी, सिग्नेलर, हर सिंगार आदि उनकी ऐसी ही कहानियां हैं। द्वितीय चरण की इस अवधि में कहानी के विकास में जिन रचनाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं वे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार और विष्णु प्रभाकर। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों का केंद्र प्रायः मध्यम वर्गीय समाज है। मधुपर्व, हिल्लोर, पुष्पकरणी, दीपमालिका, मेरे सपने, उपहार, उतार चढ़ाव, खाली बोतल, आदान प्रदान, अंगारे, स्नेह तथा बाती और लौ उनके कहानी संग्रह हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह कहानी विकास के प्रथम चरण में कानों में कंगना लिखकर ख्याति अर्जित कर चुके थे। इस अवधि में उन्होंने समाज, व्यक्ति सुधार और आदर्श की स्थापना को प्रेरणा देने वाली मनोरम भाषा शैली में धारधार और मार्मिक कहानियां लिखी हैं। कुसुमांजलि तथा गांधी टोपी उनके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। भगवती चरण वर्मा की कहानियां इंस्टॉलमेंट दो बाके तथा राख और चिंगारी में संग्रहित हैं। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद तो कहानी की बुनियाद से ही जुड़े हैं। प्रसाद की कहानियों में स्वर्णिम अतीत के गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान की प्रधानता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में ममता, बिसोती, मधुआ, आंधी, पुरस्कार, आकाशदीप, छोटा जादूगर आदि है। निराला ने श्रीमती गजानन शास्त्रिणी, पद्मा और लिली जैसी कहानियां लिखी। पंत ने भी पानवाला कहानी लिखी। कविता की ही भांति कहानियां लिखकर लोकप्रिय होने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में पारिवारिक सामाजिक जीवन के अनबोले और मार्मिक चित्र मिलते हैं। शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सुभद्रा जी के बिखरे मोती और उन्मादिनी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने भी सरल शैली में सामाजिक समस्याओं पर कहानियां लिखी जो कौमुदी में प्रकाशित है। उषा देवी मित्रा ने 1933 ईस्वी के आसपास पीयू कहां, मूर्त मृदंग, गोधूली, देवदासी, मन का मोह आदि कहानियां लिखी। संध्या पूर्वी और रात की रानी उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। पाश्चात्य कहानी के शिल्प का प्रभाव लेकर लिखने वाले चंद्रगुप्त विद्यालंकार इस अवधि के एक और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आप कहानियों के शिल्प के प्रति बहुत सजग हैं और इस संदर्भ में पाश्चात्य कहानीकार सोमरसेट मॉम से गहरे प्रभावित हैं। उनकी गोरा, मास्टर जी, बचपन, संदेह, आंसू, शराबी, पगली, भय का राज्य आदि कहानियां बहुत सराही गई। उनके उल्लेखनीय कहानी संग्रह चंद्रकला तथा वापसी है। कहानी विकास में भविष्य की कालावधि में चर्चित हुए विष्णु प्रभाकर के कहानी लेखन ने भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और उनकी कुछ कहानियां हंस तथा अलंकार में प्रकाशित हुई। इस कालावधि में हिंदी कहानी वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से परिपक्व होकर सामने आई। इस प्रकार कहानी के विकास का यह दूसरा चरण ठोस और अधिक बेहतर संभावना का संकेत लिए हुए था। कहानी का तीसरा चरण जिसका समय 1940 से 1960 ईस्वी। चौथे दशक में प्रेमचंद ठाकुर का कुआं, ईदगाह और पूस की रात तथा कफन लिखकर
कहानी को जीवन की कड़वी सच्चाइयों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बना और बता चुके थे। उनकी महाजनी सभ्यता नामक चर्चित निबंध में यह संकेत साफ था कि आर्थिक आधार और नैतिक मूल्यों के बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता निस्सार है। कहानी का यह चरण इस पृष्ठभूमि और तत्कालीन सार्वभौम सच्चाइयों के बीच ही उगा था। पांचवां दशक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में भीषण उथल पुथल का संक्रांत काल है। विश्वव्यापी महायुद्ध, भीषण महंगाई और मंदी, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का अकाल और महामारी, नाविक विद्रोह, आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक करामात, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति और देश का बंटवारा, रक्तपात, दानवता को लजाते मानव द्वारा किए गए अमानुषिक कृत्य, लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, धर्मोन्माद, घर से बेघर होने वाले शरणार्थी बनते लोग, इस अवधि में कहानी, हिंदी कहानी वस्तु और रूप की दृष्टि से न केवल प्रौढ़ होती है बल्कि उसमें एक समृद्ध विविधता भी आती है। कहानी का सर्वतोमुखी विकास हुआ। सत्ता का हस्तांतरण, अपनी सरकार, ताबड़तोड़ औद्योगिकरण, अनियोजित विकास की दौड़, नगरीकरण की धूप, साधन सुविधा संपन्न शहर और सुविधाओं से वंचित होने वाले गांव के सिलसिले की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक, नैतिक मूल्य स्तरों पर भारी हलचलें हुई। ये हलचलें हिंदी के अलावा उर्दू, पंजाबी जुबान में जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। अमृता प्रीतम की डाक, मंटो की टोबाटेक सिंह, ख्वाजा अहमद अब्बास की सरदार जी, राजेंद्र सिंह बेदी की लाजवंती, कृष्ण चंदर की अन्नदाता और पेशावर एक्सप्रेस उस समय के परिदृश्य का संजीदा आईना बनकर प्रस्तुत होती है। प्रेमचंद के रचनाकाल की इस अवधि में कहानी लेखन आरंभ करने वाले और स्वतंत्रता प्राप्ति तक के दशकों में सजग रहने वाले कहानीकारों में एक ओर हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्रनाथ अश्क, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, निर्गुण और अमृत राय आदि, तो दूसरी ओर सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद जोशी, चंद्र किरण सोनरेक्सा, होमवती देवी आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी में परिवर्तन हुए। मानव के आधुनिक जीवन की संघर्षपूर्ण विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण कहानी में हुआ है, जैसे निम्न वर्गीय व्यक्ति के विकासार्थ यत्नों में अवरोध व संकट, उच्च वर्गीय जीवन में विद्यमान विसंगति कुंठा, शहरी जीवन में व्यक्ति का अकेलापन, शिक्षितों की बेरोजगारी की समस्या, राजनीतिक भ्रष्टाचार, परिवारों का सहसा विघटन इत्यादि, ये सभी कहानियों के वर्ण विषय बन गए। शैली की विविधता, विषय क्षेत्र की व्याप्ति, शैली भेद, कथ्य की बहुरूपता के कारण कहानी साहित्य का स्वरूप विशाल हो गया। छठे दशक तक पत्र पत्रिकाओं, परिचर्चाओं, साहित्यिक गोष्ठियों और संवाद श्रृंखलाओं में कहानी पूरी तरह चर्चा के केंद्र में आ गई थी। साहित्यिक क्षितिज में छायावाद और प्रगतिवाद में छाया, कविता का बोलबाला प्रगतिवाद के उत्तरार्ध तक कहानी के हिस्से में आ गया था। इस अवधि में कहानी और नई कहानियां नाम से कहानी केंद्रित अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और नए कहानीकारों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी रचनात्मक स्फूर्ति, समृद्ध वैविध्य और कलात्मक उत्कृष्टता के साथ दृश्य पर आई। इस दौर के उल्लेखनीय कहानीकारों में एक ओर हैं भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध, वनमाली, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु,
मन्नु भंडारी, शेखर जोशी, शिवप्रसाद सिंह, शैलेश भटियानी, शानी और कृष्णा सोबती, तो दूसरी ओर हैं धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राम कुमार, नरेश मेहता, कृष्ण बलदेव वैद्य, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, रमेश बख्शी, उषा प्रियम वदा आदि। इस अवधि से कहानी आलोचना का भी स्वतंत्र विकास हुआ। कहानी की पाठ प्रक्रिया, आस्वाद और मूल्यांकन के नए प्रतिमान स्थापित हुए। कहानी आलोचकों की एक पीढ़ी सामने आई जिसने हिंदी कहानी साहित्य को एक स्वतंत्र विधा और गंभीर कलाकृति के रूप में व्याख्यायित और विश्लेषित किया। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धनंजय वर्मा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, सुरेंद्र चौधरी, परमानंद श्रीवास्तव और रामदरस मिश्र आदि ने कहानी आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। कहानी आलोचना के नए मानदंडों के विकास में जिन कहानीकारों ने अपना रचनात्मक योगदान दिया उसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा उल्लेखनीय हैं। हिंदी कहानी की यथार्थवादी परंपरा को एक निरंतरता और नए परिवर्तित संदर्भों में विकास प्रदान करने वाले कहानीकारों में काशीनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, राम नारायण शुक्ल, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, प्रणव कुमार, ओम प्रकाश मेहरा, इसराइल असगर वजाहत, उदय प्रकाश, मोहन थापलियाल, नमिता सिंह, विजय कांत, रमाकांत श्रीवास्तव, रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, महेश कटारे, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला, विजय चौहान, अवध नारायण सिंह, रमाकांत सिद्धेश, प्रयाग शुक्ल आदि प्रमुख हैं। कहानी का चतुर्थ चरण यानी साठोत्तरी कहानी। सन 1960 तक आंचलिक कहानी लुप्त सी हो गई और नई कहानी रूढ़िग्रस्त होने की स्थिति में आ गई, तो हिंदी कहानी साहित्य में अकहानी, सचेतन कहानी और समांतर कहानी के स्वर मुखरित हुए। यह अवधि आक्रोश, अनास्था, अविश्वास, कुंठा, यौन विवृति, मानसिक अराजकता, सामाजिक मान मर्यादाओं के तेजी से विघटन और आर्थिक हताशा के रूप में दिखाई पड़ने लगी। हालांकि उस समय कविता में ये स्वर बखूबी सुने गए, पर कहानियों में इनका पहले और तुरंत अभिव्यक्ति पाना स्वाभाविक था। इसलिए इस अवधि में कहानी अपने ढर्रे से फिर हटी और वस्तु तथा रूप में बदलाव लेकर प्रस्तुत हुई। नए परिवर्तित संदर्भों और यथार्थवादी परंपरा को रचनात्मक गति देने वाले कहानीकारों में काशीनाथ सिंह, राम नारायण शुक्ल, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, ओम प्रकाश, इसराइल, उदय प्रकाश, असगर वजाहत, मोहन थापलियाल, रमाकांत श्रीवास्तव, राकेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, नमिता सिंह, महेश कटारे, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अशोक सिकसरिया, प्रबोध कुमार, महेंद्र भल्ला, सिद्धेश और प्रयाग शुक्ल आदि प्रमुख हैं। इस युग की कहानी को आलोचनात्मक पहचान देने में मधुरेश, यदुनाथ सिंह, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा प्रसाद, विमल और डॉक्टर महीप सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी अवधि में अलग अलग नामों और अलग अलग प्रतिबद्धताओं तथा आम आदमी अथवा जीवन या समाज के किसी उपेक्षित बिंदु को रचना मंच पर लाने का दावा करने वाले अकहानी, सचेतन कहानी और समांतर कहानी जैसे आंदोलन अस्तित्व में आए। अकहानी एक ऐसी कथा विधा है जिसमें कथा नहीं होती। यह परंपरा को धिक्कारती है और जीवन की निरर्थकता का बोध कराती है। सन 1960 तक जब नई कहानी रूढ़ होने लगी तब सचेतन कहानी आंदोलन शुरू हुआ। इसका आरंभ नवंबर 1964 के सचेतन कहानी विशेषांक से हुआ।
समांतर कहानी के ज्यादातर कहानीकारों के चिंतन के धरातल पर मार्क्सवादी द्वंद्वात्मकता अपनाई। समांतर कहानी सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कमलेश्वर के अनुसार जून 1971 ईस्वी में आईआईटी बंबई में समांतर लेखन पर हुई एक गोष्ठी में इस लेखन का विचार सामने आया और मामूली आदमी को रचनात्मक प्रतिष्ठा देने का संकल्प व्यक्त किया गया। बताया गया कि मामूली आदमी वह है जो हर निर्माण की आधारशिला तो है किंतु उसकी कोई पहचान नहीं, न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और न सांस्कृतिक। इतिहास के लंबे दौर से छला जाता आया यह दलित, शोषित, पीड़ित और अपमानित व्यक्ति और उसके जीवन यात्रा के विविध पहलू समांतर कहानी के रचना तत्व घोषित किए गए। इस कहानी के प्रमुख लेखकों में कामतानाथ, मणिमधुकर, मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ, जितेंद्र भाटिया, विभु कुमार, सतीश जमाली, सयात्री, श्रवण कुमार, सुदीप, शीला रोहिकर, दामोदर सदन, निरुपमा सेवती और मृदुला गर्ग आदि हैं। इस प्रकार यह हिंदी कहानी की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय है।